एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा। बेल और एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है क्रिमिनल लॉ में, और सेक्शन 438 से लेकर 439 ये सीआरपीसी में जो है जो दंड प्रक्रिया है उसके अंदर जो है 438 और 439 जो सेक्शन है ये एंटीसिपेटरी बेल और बेल के बारे में इसमें है। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को जो है इंडिया में फ्रीली मूवमेंट का अधिकार है, एक्सेप्ट कि अगर लॉ जो है उसे जो है अंदर रखना चाहे, या लॉ जो है उसे प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसके थ्रू ही वो बंदे की जो कोई भी पर्सन है उसकी जो भी लिबर्टी है वो छीनी जा सकती है लॉ के प्रोसेस के द्वारा। जब भी एफआईआर रजिस्टर होती है तो पुलिस जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है उस ऑफेंस से रिलेटेड, और वो पर्सन जो है वो जेल चला जाता है। पर बेल और एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है उस पर्सन की लिबर्टी उसे वापस दिलाने के लिए डाले गए हैं कानूनी प्रक्रिया में, और हर जो कानून है वो ये बिलीव रखता है कि हर एक बंदा इनोसेंट है, हर एक पर्सन इनोसेंट है जब तक वो गिल्टी कोर्ट ऑफ लॉ के प्रोसेस के थ्रू जो है नहीं पाया जाता। पर बेल और एंटीसिपेटरी बेल की कंसिडरेशन होती है, बहुत ही कंडीशंस होती है कि हर केस में बेल पॉसिबल नहीं है, हर केस में एंटीसिपेटरी बेल भी पॉसिबल नहीं है। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ये कितना संगीन जुर्म है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी बेल जो है मैजिस्ट्रेट ग्रांट करता है। और कोई भी लीगल एक्सपर्ट या लॉयर ये गारंटी नहीं ले सकता कि हर केस में बेल जो है मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये प्योरली मैजिस्ट्रेट का ओपिनियन है, जुडिशियल ओपिनियन होता है कि बेल ग्रांट कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कितना संगीन जुर्म है और उस जो अरेस्टेड पर्सन है उसका कितना रोल है उस ऑफेंस में और उस एफआईआर में कितना रोल है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। फिर उसकी भागने की आशंका एक ये फैक्टर है, मेडिकल कंडीशन ये एक फैक्टर है, और जो अगर वो सिंगल ब्रेड अर्नर है पूरी फैमिली का वो एक है, उसका स्टेटस सोसाइटी में क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हैबिचुअल ऑफेंडर, पहले तो नहीं ऑफेंस किया हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पहले अगर बेल उसे ग्रांट की गई, उसने मिसयूज तो नहीं की बेल की कंडीशंस, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कितना संगीन जुर्म है ये सबसे बड़ा फैक्टर इनिशियल स्टेजेस में माना जाता है कि कितना संगीन जुर्म है, क्या क्या सबूत है, कितने पुख्ता सबूत है उसके खिलाफ, चाहे वो अनप्रूवन है चाहे वो प्राइमा फेसा स्टेज पे है, और आपको अपना अगर डिफेंस डिस्क्लोज करना पड़ जाए वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तो मैं दो एग्जाम्पल लूंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि बेल का जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कैसे काम करती है। 498A के ऑफेंस को अगर हम देखें, 498A का ऑफेंस 3 साल की ज्यादा से ज्यादा सजा है उसके अंदर। तो 498A ऑफेंस मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स और मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और उसमें जो है बेल मिलना काफ़ी आसान होता है, मिनिमम कंडीशंस पे बेल उसमें मिल जाती है, और उसमें ये है कि कोर्ट जो है इतना ग्रेव जो है वो नहीं है। मर्डर और रेप के केसेस में बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें रेप के केसेस में जो है थ्रेटनिंग जो एटीट्यूड है एक्यूज का वो एक देखा जाता है कि वो थ्रेट तो नहीं करेगा विटनेस को, या टैम्पर तो नहीं करेगा जो भी गवाह है उस केस में, तो इन केसेस में मुश्किल है। दूसरा केस हम 400BC का केस ले लेता हूँ, 400BC के केस में जो बेल या एंटीसिपेटरी बेल है वो थोड़ी मुश्किल है, उसमें थोड़ी कंडीशंस जो ये इम्पोज कर देता है कोर्ट की, जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसका कुछ 50-60% या आपके वकील को खुद ही ऑफर कर देना चाहिए, मैं रेडी हूँ 50-60-70% कोर्ट में जमा कराने को, FDR करा दूंगा, FD करा दूंगा,
अगर ट्रायल जीत गया तो विद इंटरेस्ट वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक जो प्रक्रिया है उसमें आप खुद जो है एक ऑफर दे सकते हैं कि कोर्ट जो है उसके लिए इजी रहेगा एक ओपिनियन ग्रांट करना कि बेल पे छोड़ देना चाहिए। इनिशियल स्टेजेस पे बेल मिलनी बहुत मुश्किल होती है, देन एडवांस स्टेजेस में चार्जशीट फाइल करने के बाद इजी रहती है बेल मिलनी। चार्जशीट के बाद एविडेंस स्टेज जब आती है तब आप बेल फाइल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्यूरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप इतने ड्यूरेशन कस्टडी में रह गए हो, तो वो एक फैक्टर हो जाता है उसके उन केसेस में। तो अलग अलग केसेस का अलग अलग स्टैंड रहता है। तो मैंने आपसे के साथ 498, 420, 375, 5 और मर्डर के केसेस आपसे डिस्कस किए। इन जो सबसे इजी 498 है, 3 साल तक, 7 साल फ्रॉड या चीटिंग की केसेस, 7 साल, 7 साल की सजा में थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो जाती है। और जो मर्डर है उन केसेस में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, चार्जशीट या एविडेंस स्टेज पे ही बेल मिल सकती है। इनिशियल स्टेजेस पे आप ट्राई कर सकते हैं बट चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर केस के फैक्ट्स के ऊपर बेल के जो भी डिसीजन है वो डिपेंड करेगा, या एंटीसिपेटरी बेल पर डिसीजन डिपेंड करेगा।